विधायक धर्मपाल गोंदर ने निगदू गांव को दी पावर हाउस सब डिवीजन की सौगात। बिजली विभाग सब डिवीजन कार्यालय का विधिवत रूप से विधायक ने किया उद्घाटन। बिजली से संबंधित कार्यों के लिए दर्जनों गांव के लोगों को अब नहीं जाना पड़ेगा नीलोखेड़ी, जिससे आम जनता के पैसे व समय की होगी बचत। बिजली विभाग का सब डिवीजन कार्यालय फिलहाल बिल्डिंग न होने के चलते निगदू अनाज मंडी स्थित किसान भवन की बिल्डिंग में खुला है। क्या क्षेत्रवासियों को क्या जानकारी देना चाहोगे? मेरे सबसे पहले पूरी रिलोकेटिंग की जनता से बच्चे तक छत्तीसगढ़ सबका धन्यवाद करता हूँ। जिन्होंने पार्टी है को नकारते हुए साधारण परिवार के पद के लिए बनाया, सबका धन्यवाद करता हूँ, नमन करता हूँ। जैसे मेरे को जनता ने उनकी तरफ के लिए बुलाया था, शुरू से हमें पता था कि एरिया बिल्कुल पिछड़ा हुआ है, लेकिन मेरे कुछ हमारा प्रयास रहा है जहाँ जिस चीज़ की जरूरत है पब्लिक को ज़्यादा दिक्कत ना हो उसके अनुसार वहाँ ऑफिस हो, बच्चों के लिए पढ़ने का केंद्र हो, सस्ता ये शिक्षा केंद्र, हर व्यवस्था वहीं पर होने दी। जैसे निगदू एरिया था, आज हम यहाँ जो बिजली बोर्ड की समस्या थी लोगों की, एक जैसे राशन कार्ड वहाँ से उन्होंने भी निगदू लेने जाना, निगदू वाले निगदू लेने जाना, छोटे छोटे काम वास्ते बिजली कमाना है या छोटी भरनी है निगदू लेने जाना पड़ता था 25-30 किलोमीटर, तो उसकी पब्लिक की दिक्कत। आपने काफ़ी सारी सौगातें निगदू क्षेत्र को दी हैं, और क्या नई सौगात, क्या नई खुशखबरी निगदू क्षेत्र के लिए हो सकती है? जो जनता जो है यही मालिक हमारी, यही विधायक हैं, जो इनके आदेश होंगे जो ये कहेंगे वो हम करते रहेंगे। हमने सरकार के पास लेके जाना है, माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद करता हूँ। हमारी कोई भी डिमांड है जो पब्लिक की, वो लेके जाते हैं, उसको स्वीकार कर देते हैं।